जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे दाता, मेरे परमात्मा, मेरे परमेश्वर, मेरे प्यो, आपका लख लख शुक्राना। जब तक ये जिंदगी है गुरु जी मेरी, आपके नाम है, आपके चरणों में मैं सर रखकर जीना चाहती हूँ। हमेशा 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 मुझे अपने चरणों की दासी बनाना मेरे दाता, मेरे अंग संग रहना। मैं नादान हूँ, कोई भी भूल चूक हो मेरे दाता मुझे माफ करना। तो प्यारी संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी महाराज जी का तालाब तिल्लो में है। तो संगत जी देखिए गुरु जी की क्या प्लानिंग्स होती हैं। आज का सत्संग जो है बहुत ही प्यारा है, और उस सत्संग में गुरु जी ने बहमों से दूर किया है इन परिवार वालों को। तो संगत जी, आज गुरु जी का काले रंग का चोला इनके घर में आया है। ये जैन फैमिली है और जैन परिवार में काले रंग से परहेज करते हैं, और इनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि काले रंग का चोला आएगा। लेकिन हमें भी नहीं पता था इस बात का कि इन लोगों का कोई ऐसा बहम होता है, लेकिन गुरुजी की बातें तो गुरुजी जानते हैं, गुरुजी की प्लानिंग्स तो संगत जी गुरुजी ही जानते हैं। तो आज इतने चोलों में से स्पेशली यही वाला चोला गुरुजी के दरबार में सजा है, और शायद गुरुजी की यही मर्जी थी कि ये काले रंग से बहम करते हैं, तो क्यों ना इनका आज काले रंग के बहम वाला सिस्टम बंद किया जाए। तो संगत जी, है ना कितनी प्यारी बात। जहाँ संगत जी हमारी प्लानिंग्स शुरू होती हैं, वहाँ गुरुजी की प्लानिंग्स हमारे वाली नहीं चलती, क्योंकि गुरुजी के खुद के प्लान्स होते हैं कि वो कौन सा रंग का चोला पहनेंगे, वो कितनी संगतों को बुलाएंगे, लंगर प्रसाद में क्या बनेगा। तो संगत जी, ये सब प्लान्ड होता है हमारे प्यारे गुरुजी के द्वारा। प्यारी संगत जी, केवल जैनी लोग ही नहीं, कभी कभार हम लोग भी काले रंग का परहेज करते हैं, और खासकर पूजा पाठ के कार्यक्रम के लिए। लेकिन संगत जी, अपने वचन नंबर 49 में प्यारे गुरु जी महाराज जी ने काले रंग को सकारात्मक रंग बताया है। वो बोलते हैं कि इस रंग को किसी की नज़र नहीं लगती। सबसे अच्छे रंगों में उन्होंने जो रंग बताए हैं वो आपसे मैं साझा करती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने कहा हुआ है कि सबसे अच्छे रंग जो सकारात्मकता और समृद्धि पैदा करते हैं वह है लाल, क्रीम और स्याह काला। यानी कि स्याह काला रंग जो है वो बहुत ही अच्छा कलर है, पॉजिटिव कलर है। तो इसीलिए आप काले रंग का परहेज संगत जी बिल्कुल भी मत करें। अगर आपको यकीन नहीं होता तो वचन नंबर 49 में गुरुजी की जो किताब आती है वचनों वाली, उसमें आप पढ़ लीजिएगा खुद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बैठ जाओ सारी संगत जी। आंटी बैठ जाओ, बैठ जाओ। जयकारा मेरे मशहूर वाली दा, जयकारा पट्टे मंदिर वालों दा, आवाज बड़ी करना भाई, सभी की क्या बात है, लंगर प्रसाद नहीं खाया अभी। जयकारा टुकड़ी वालों दा, तो गुरु जी का शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु जी आज आप आए हो जिनके घर में, जिनके परिवार को ब्लेस करने, तो ढेरों खुशियां गुरु जी महाराज उनके घर में लाना। आंटी जी आ जाओ आप आगे, जिनका घर है सीमा आंटी, तो अंकल आ जाओ अभी। बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपने ये सेवा बख्शी, गुरु जी ने इसका भी बनाया। गुरु जी आपके घर आए तो सभी मिलकर हाजिर लगाएंगे, फिर आप दोनों गुरुजी का शुक्राना, आई संगत का शुक्राना, और कोई सत्संग हो तो संगत सभी ध्यान से सुनो। जिसने भी कोई सत्संग शेयर करना प्लीज आगे आगे कर ले, शर्म ना करें कि गुरु नाम की चर्चा है, तो गुरु नाम की चर्चा करनी है हमें। जय जय गुरुजी, 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 धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरु जी, धन गुरु जी, बाबा 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हमेशा दर्शन, बात आ गई दर्शनों की, खत्म ही वही होती है। तो कुछ आज इस तरीके से दर्शन दिए गुरु जी ने, अब पता नहीं वो साक्षा की झूठ है गुप्त तरीके से। अब इसके ऊपर हार है, हार हटा के देखो नीचे कोई ओम बने। यहाँ बैठे बैठे गुरु जी ने दर्शन कराए हैं। शीतला आंटी हार उठाना, रुमाल पे कोई ओम बने। बना है त्रिशूल भी बना है, ओम भी बना है, और ये आज के गुप्त दर्शन संग जी यहाँ बैठे हुए हैं। और जो मेरे साथ आंटी आई बैठी थी यहाँ पे, गुरु जी ने मुझे एक साइन दिया। मुझे नहीं पता आप इन बातों में बिलीव करती हो कि नहीं करती, पर मैं बहुत करती हूँ। एक इशारा दिया था और वो मैंने देखा है सेम था ये इशारा, वो जो आंटी इधर बैठी है
जो जहाँ से गुरु जी को जय गुरु जी। जो भी है ये वो जानते हैं। कोई इशारा था शुक्राना गुरु जी बोल संगत जी। वो देखो ओम बना हुआ है बिल्कुल ऐसे दिख रहे थे शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी। त्रिशूल भी है और ओम भी है। इस तरह से देखोगे त्रिशूल है। तो ये सारे ये नजारे क्या ये गुरु जी जानते हैं। मैं नहीं जानते मैं इतना पता कि वो देते हैं कि इशारा और क्या ले लिया बस ज्यादा नहीं बोल सकती मैं। जब गुरु जी घर आए ना मेरे मोबाइल में मैसेज आया मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हूँ। मैं बैठा हूँ अभी मेरे मोबाइल में मैसेज आया मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हूँ और मैं बाहर गया तो गुरु जी हमेशा संगत जी बताते हैं अपना प्रमाण देते हैं। कोई संगत शेयर करना चाहिए सभी को पढ़ाया मैं मैसेज कोई नहीं सभी को मैसेज पढ़ाया मैंने। हाँ जी गुरु जी आते हैं गुरु जी के मैसेज सच्चे होते हैं। वो वाले सच्चे नहीं होते कि वशीकरण वो शादी करनी है तो वो इतने पैसे डालो डेटा पर। क्योंकि मेरे फोन में अभी भी संगत जी मैं आपको दिखाती हूँ कल का मुझे किसी संगत ने सेंड किया हुआ है। मैं सभी से इवन हम अपने आप से भी मैं अभी जो हमने भी ग्रुप तो बोलना ही नहीं है जो एक गुरु जी की कक्षा हमने तैयार की हुई है वो कक्षा है। तो ना जो भी उसके एडमिन होते हैं ना वो प्लीज ध्यान रखें क्योंकि ये एडमिन को ही ब्लेम होता है जब कोई कुछ गलत करता है ना। तो उसमें ये देखो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ किसी पंडित ने वो किया हुआ है किसी औरत को बेवकूफ बना रहा है वो उस ग्रुप में से निकल के। हमारा नहीं हमारे वाली कक्षा में नहीं है ये किसी की कक्षा है। लेकिन मैं अपने आप को भी अपने घर वालों को भी पहले मैं सचेत करूंगी पहले अपना परिवार बचाऊंगी मैं बाकियों को मैं बाद में है ना। तो वो पंडित जी कहते हैं कि आप इतने पैसे भेजो आपके घर में ये सब सारे ये वो है ये पढ़िए आप कि इतने पैसे भेजे जो भी आपके घर में प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगे। तो इस तरह के जो भी आपको आते हैं ना वो पर्सनली नंबर निकाल के आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। हल्का सा आंटी ने लिख दिया था कि गुरुजी कृपा करो उनको लगा पता नहीं कितनी दुखी हो रहा था कृपा मैं ही कर देता हूँ। तो पहले तो आंटी कहती है अंकल मैं 10,000 नहीं दे सकती मैं 5,000 देती हूँ। तो वो कहते नहीं 5,000 से आंटी जी नहीं हो सकता खाली आपकी बेटी पे ये काला जादू होता तो मैं कर देती हूँ आपके पूरे परिवार पे है तो आप मेरी बहन समान हो इसीलिए मैं 50% मांग रहा हूँ 7,000 तो वो सारी इसमें है मेरे पास। तो ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहे मैं तो यही कहूंगी। और कोई भी आपके गुरु नाम की सेवा के लिए पैसे मांगता है जैसे हमारे कृष्ण अंकल वो आ जाए उनसे हर तीसरे दिन मांग की जाती है। वो बेचारा खुद किसी की दुकान पे काम करने वाला लड़का वो कहाँ से 10,000 पे करेगा कि गुरुजी की जल प्रसाद व्यवस्था करनी है तो 10,000 तो बड़े मंदिर से कौन आया। तो बड़े मंदिर से ऐसी कोई कॉल्स नहीं आती इस तरह के कोई मैसेज नहीं आते। खुद को खुद बचाए संगत जी खुद बचाए मैं इन शॉर्ट यही कहूंगी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो कोई भी नहीं करेगा अपना सत्संग शेयर। हाँ जी आइए आंटी जी जय गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंत अनंत शुक्राना मेरे दातिया मेनू इस सत्संग की दात बख्शी शुक्राना मेरे दातिया। मैं अपना सत्संग इस प्रकार शेयर करती हूँ। गुरु जी का आशीर्वाद मेरे पे बहुत है बहुत ब्लेसिंग है गुरु जी की। गुरु जी ने मेरे को 25 फरवरी को मेरे घर सत्संग करवाया। सत्संग होने के बाद मेरा बीपी बहुत बढ़ गया था 180 और नीचे का 180 ऊपर का और नीचे का 90 था। तो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था। अगले दिन मैंने जब जो सेवादार अंकल आए उन्होंने मेरे को कहा चलो मैं आपको गुरुजी के दर्शन करवा के लाता हूँ। जैसे ही मैं गुरुजी के दर्शन करने गई उसके बाद मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल है और गुरुजी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि अभी तक मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्योंकि सत्संग हुआ उस दिन मतलब काफी ज्यादा उससे पहले मेरा बढ़ रहा था और अगले दिन तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था।
लेकिन दो चार दिन फर्क नहीं पड़ा, जब अंकल ने मेरे को कहा मैं किसी और के वहां जाऊँ, सत्संग लेके गए वो मेरे को दर्शन करवाने, उसके बाद मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाते हैं। इसी प्रकार अपनी संगत पे अपनी ब्लेसिंग हमेशा सब पे बनाए रखना, अपनी कृपा इसी प्रकार बरसाए रखना। जय गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना। तो सभी सारे पंडित जगह पर बैठ जाए, सभी लंगर प्रसाद का सेवन करेंगे और सभी को पता ही है छोड़ना ही नहीं है, बचपन वाला दिन याद रखने हैं, पूरा खाना है। जय गुरु जी। आज करानी पहले लंगर प्रसाद, ठीक है। तो लंगर प्रसाद खा के जो संगत जाना चाहती है सीधी घर को जाए गुरु जी की ब्लेसिंग लेके, जिन्होंने गुरु नाम की आश करनी है तो वो ही आश कर ले। जय गुरु जी। प्यारे संगत जी, आज गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए हैं, जो कि रुमाल उनकी गद्दी पर रखा हुआ था। संगत जी इतना बड़ा त्रिशूल बना हुआ है और साथ ही में ओम। तो संगत जी अगर आपको भी ये दर्शन हो रहे हो, आपकी भी आंखें धन धन हो रही हो मेरी तरह, तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी जरूर लिखें नीचे कमेंट सेक्शन में। और जो भी आज पहली बार मेरे चैनल पर जुड़े हैं, जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि रोज गुरुजी महाराज की ये महिमा और लीला का बखान हम सब मिलकर कर सके। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और शेयर करने से क्या होगा संगत जी, माला में आप एक नया मोती पिरोएंगे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, आपके घर में ढेरों खुशियां दे मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, सबके घरों में खूब खुशियां ही खुशियां आए।